अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल को फर्स्ट ओडीआई मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका खेला गया, जहां पर बाबर आजम ने इंतहाई तबाकुन किस्म की जो है बैटिंग की है, ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी स्कोर की है, 103 रन्स बनाए हैं जिसमें 17 चौके शामिल हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों एक वाकया पेश आया, जब बाबर आजम ने सेंचुरी की और उसके बाद हेलमेट उतार के जब ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा, क्राउड की तरफ देखा, तो वहाँ पर दोस्तों एक इशारा हुआ। ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि आपको जो है पूरी हालात दिखाते हैं, पूरा जो एक वीडियो क्लिप बनाया गया है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर आप बाबर आजम को एक बढ़िया बल्लेबाज समझते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मजीद क्रिकेट की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले बताएं तो बाबर आजम ने 103 रन स्कोर किए हैं, 104 बॉल्स पर 17 चौके लगाए हैं, छक्का कोई नहीं लगा सके, लेकिन क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है बैटिंग की है और जो है क्या कहते हैं उसे, खुद कप्तान है, कप्तानी इनिंग्स खेली है और बाकियों को भी फिर जोश आया और इमामुल हक ने भी अच्छी इनिंग खेली है। यहाँ पर दोस्तों बाबर आजम ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, उस रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताते हैं। वो ये रिकॉर्ड है कि बाबर आजम ने अपनी जो 13वीं सेंचुरी है वो सबसे कम जो है 75 इनिंग्स सबसे कम है बाबर आजम ने की है 13 सेंचुरी। उसके बाद 83 जो है वो हाशिम आमला ने 83 इनिंग्स में की है, 86 में विराट कोहली ने, 86 इनिंग्स में ही कोंटन डिकोक ने, 91 इनिंग्स में डेविड वार्नर ने। तो बाबर आजम पहले खिलाड़ी बन चुके जिन्होंने 13 सेंचुरियां की हैं 75 इनिंग्स में। तो अब आपको दिखाते हैं वो क्लिप, यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बाबर आजम को वहां से इशारा आया, उसके बाद बाबर आजम शर्माने लग गए और बाबर आजम ने कुछ हाथ का जो है वो इशारा भी किया है। और ये सबसे बड़ी बात कि बाबर आजम ने सजदा किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अल्लाह का शुक्र अदा किया अपनी सेंचुरी करने के बाद। और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, कोई भी काम हो और हर टाइम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये बाबर आजम ने यहाँ पर भी सबक दिया है भारतीयों को और जो हिंदू मुल्क हैं उनको, हिंदू जितने भी हैं उनको, जिनको नहीं पता कि इस्लाम क्या चीज़ है, अल्लाह क्या चीज़ है, तो उनको जो है सबक दिया है कि भाई हम सजदा करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तभी हमें अल्लाह नवाजता है।